नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक दुबे आपके साथ। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। महापुरुष के अपमान पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। वाराणसी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने सुहेल देव प्रतिमा सारनाथ में प्रतिमा के सामने कूड़ा घर हटवाए जाने, पानी की व्यवस्था और पार्क सहित अन्य मांगों को लेकर 11 जनवरी 2019 शुक्रवार को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सारनाथ स्थित सुहेल देव पार्क चौराहे पर किया। देखिए रिपोर्ट। मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश महासचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। किस प्रकार का आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन है? देखिए, जहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जगह है, और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर हमारी पार्टी का नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री हैं। कैबिनेट में मंत्री होने के बावजूद, कैबिनेट में बात उठाने के बावजूद, सदन में बात उठाने के बावजूद, और पिछले 18 दिसंबर को भी हम लोग यहाँ धरना दिए थे कि यह सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव जी का जो पार्क है इसकी रख रखाव, बागवानी, हरियाली, सामने कूड़ा फेंका जाता है कूड़ा बंद हो, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है पानी की व्यवस्था किया जाए, यहाँ एक माली की व्यवस्था किया जाए, एक गार्ड की व्यवस्था किया जाए, एक पुस्तकालय यहाँ पर बना दिया जाए, ताकि इनसे जुड़े हुए, महाराजा सुहेलदेव से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोग जिनको इनसे आस्था है, उन लोगों के साथ यह गलत काम हो रहा है कि उनके सरकार में आपकी सहभागिता होते हुए भी आप लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या यही तो सोचने वाली बात है कि सरकार में रहते हुए भी हम लोग को बैठना पड़ रहा है? इसका मतलब सरकार कितना हम लोग का सुन रही है, इसका क्या मांगे क्या हैं अभी आप लोगों की? मांगे हम लोग की हैं कि सारनाथ सुहेलदेव पार्क की सुरक्षा, रख रखाव सरकार नगर निगम अपने अंडर में ले ले, और यहाँ भी एक गार्ड लगा दे, एक माली लगा दे, यहाँ भी रोज सफाई हो, धुलाई हो, पूजा पाठ हो, एक पुस्तकालय यहाँ बना दे। आप लोगों ने अपना ज्ञापन किसको दिया है अभी? आज हमने एसीएम फोर्ट साहब को अपना ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन लेके गई हैं, और उन्होंने कहा कि जो आपकी 9 सूत्री मांग है उसकी 50% काम तो मैं करा के ही रहूँगी, आप उसके लिए परेशान ना हो। और एक बात आपको बता दें, यह दूसरे महीने में दूसरी बार हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। इसके बाद आज हम लोग घोषणा करेंगे कि अब नगर निगम के अंदर, नगर आयुक्त के दरवाजे के सामने अब धरना देंगे, इसका अगला जो डेट तैयार होगा। धन्यवाद। वाराणसी क्राइम ब्रांच ने पकड़ा 25,000 का इनामी, बता दे एसएसपी ने किया खुलासा। वाराणसी में क्राइम ब्रांच प्रभारी विक्रम सिंह और कैंट थाना प्रभारी विजय बहादुर सिंह की टीम ने कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया से हल्की मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी को 32 बोर की पिस्टल और कारतूस के साथ दबोचा। खजूरी में पिछले वर्ष हुए अभिषेक सिंह प्रिंस के घर हुई सादिक की हत्या में भी शामिल रहा ये अभियुक्त। बता दें पकड़े गए बदमाश को आज एसएसपी आनंद कुलकर्णी और एसपी क्राइम ज्ञानेन्द्र नाथ ने पत्रकारों के समक्ष पेश किया। देखिए रिपोर्ट। गुड वर्क है। अगस्त 2017 में एक अभिषेक प्रिंस की हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग, अभिषेक प्रिंस के घर में जो हत्या की घटना हुई थी, पिंक अंसारी नाम के व्यक्ति की हत्या इसमें हुई थी, जिसमें कुछ लोग प्रकाश में आए थे। इसमें एक अभियुक्त कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसका नाम इमरान है, और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी जो है घोषित किया जा चुका था। कल इसको गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है, क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है, और इसके द्वारा अधिकतर घटनाएँ असला तस्करी और भाड़े पर हत्या करने की घटनाएँ इसके द्वारा कारित की जाती है। इसको गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की जा रही है और इसको जेल भेजा जा रहा है। इसका और आपराधिक इतिहास भी ज्ञात किया जा रहा है। सर, इसका किसी गैंग से कोई ताल्लुकात? हाँ, ये अभिषेक के साथ ही काम करता था, अभिषेक प्रिंस के ही गैंग के साथ मिलकर ये काम करता था, भाड़े पे हत्या करने का काम ये लोग। सर, लगातार क्राइम ब्रांच का गुड वर्क है, क्या कहेंगे इस पर? क्राइम ब्रांच के द्वारा सिस्टमेटिकली कुछ टारगेट के रूप में अभी अपराधियों को चिन्हित किया गया है, एक सूची बनाई गई है, और उसी के क्रम में उनके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है, उसी के फलस्वरूप अच्छी उपलब्धियां हो रही है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाब। टीम को कुछ दिस्पर्थ करने के लिए पुरस्कार दिया गया क्या? 25,000 का इनाम ही है, वही टीम को जो है पुरस्कार मिलेगा उसका। वाराणसी में वार्ड नंबर 7 नई बस्ती पांडेपुर में पाइपलाइन की समस्या को लेकर यूपी यूथ कांग्रेसी सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। बता दें कि शहर उत्तरी विधायक रविंद्र जायसवाल के क्षेत्र में गंदगी से क्षेत्रीय जनता आक्रोशित,
पीएम नरेंद्र मोदी के क्षेत्र संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 11 जनवरी 2019 शुक्रवार को वार्ड नंबर 7 नई बस्ती पांडेपुर में पाइपलाइन गलियां जैसी समस्या को लेकर यूपी यूथ कांग्रेसी सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय समस्या के समाधान को लेकर क्षेत्रीय जनता जिला मजिस्ट्रेट चतुर्थ को 2 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। देखिए इस संबंध में आज धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया। मैं मयंक चौबे, प्रदेश सचिव युवक कांग्रेस, पार्षद प्रतिनिधि खजुरी, वार्ड नंबर 34। यहाँ पे यह जो हम धरना किए हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद और विधायक की उदासीनता वार्ड नंबर 7 नई बस्ती के साथ जो जिस तरह से इन लोग रोषपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, गलियाँ पूरी चौपट पड़ी हुई है, न सीवर लाइन है, न गलियों में चलने का रास्ता है, उसी के विरोध में हमने आज यहाँ पे बड़े भाई राघवेंद्र चौबे जी के नेतृत्व में हमने एसीएम चतुर्थ को एक क्षेत्रीय जनता के संग मांग पत्र सौंपी है, जिसमें एक कच्ची गली का निर्माण नई सीवर लाइन सहित वह रिसेंटरिंग के लिए हुआ है। और मैडम ने यहाँ पर आकर हमसे वादा किया है कि जल्द से जल्द नगर निगम को यह कार्य को सौंपते हुए एक हफ्ते के भीतर इस कार्य पर कार्रवाई की जाएगी। पार्षद द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि न यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, सिर्फ चुनाव के समय 5 साल में एक बार आएगा, वोट मांगेगा और फिर चला जाता है। यहाँ पे हमारे पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे सांसद भाजपा के हैं, हमारे प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, हमारे मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, तो यह पूरा 1 से लेकर 10 तक ये पूरे जुमलेबाजों की टीम ही बैठी हुई नई बस्ती में। वाराणसी कैंट जीआरपी को आरपीएफ ने किया दूसरा बड़ा गुड वर्क। बता दी वाराणसी कैंट जीआरपी व आरपीएफ के संयुक्त प्रयास ने 11 जनवरी शुक्रवार को 2 बड़ा गुड वर्क किया। पहले खुलासे में सुल्तानपुर से हावड़ा जा रहे 260 कछुआ को 4 तस्करों के साथ मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर घर से भागे हुए 5 नाबालिग बच्चों को स्वयंसेवी संस्थाओं के हवाले किया, साथ ही बच्चों के परिजन को भी बताया। देखिए रिपोर्ट। सर, किस तरह के बच्चे पकड़े जाते हैं और फिर का क्या किया जाता है? कुछ बच्चे छोटे होते हैं जो 16 साल से कम उम्र के, घर से नाराज होकर चले आते हैं, घूमने चले आते हैं, कुछ भागने के इरादे से चले आते हैं, जैसे बॉम्बे वगैरह, उनको रेस्क्यू करके पकड़ा जाता है। जो बच्चे मिल जाते हैं उनको थाने पर ला के फिर संस्थाओं को, स्वयंसेवी संस्थाओं को के सदस्यों को बुला के उनको सुपुर्द कर दिया जाता है और उनके घर वालों को सूचना देके फिर घर वालों को सुपुर्द किया जाता है। सर, अभी जो कितने बच्चे पकड़े गए हैं और क्या ये कर रहे थे? आज 5 बच्चे पकड़े गए हैं जो घर से नाराज होकर रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। और ये किस तरह के बच्चे पकड़े गए? ये बच्चे जो घर से भाग के चले आते हैं 1 दिन 2 दिन, या घर वालों को बोलते हैं हम लोग घूमने जा रहे हैं और बिना बताए घर छोड़ के चले आते हैं, उन बच्चों को हम लोग फिर से यहाँ पर रोकते हैं, नाम काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट भर के जीआरपी से जीडी करवाते हैं। जीडी करवाने के बाद अपने संस्था में ले जाते हैं, साथी संस्था में उस बच्चों का वहाँ भी काउंसलिंग होता है, फिर बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत होता है, उसके बाद पेरेंट्स को संपर्क किया जाता है, पेरेंट्स को बुला करके बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने सुपुर्द किया जाता है। और उसी बच्चों में अगर कोई बहुत गरीब बच्चे पढ़ना चाहता है, घर वाले अगर पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चों का काउंसिलिंग के दौरान ऐसा कुछ आता है, तो वाराणसी का 100 किलोमीटर के अंदर जितने दायरे में है जिला में, इन सब बच्चों को हम लोग साल में कम से कम 5 बच्चों का एजुकेशन पढ़ाई के लिए। ये सब बच्चे कैसे क्या कर रहे थे? ये बच्चे पप्पू फैन क्लब ने वितरित किए 200 कंबल। नगर के अंबाला रोड पर स्थित नगर पंचायत शाहबाद के पूर्व चेयरमैन पप्पू खान ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आज से 2 वर्ष पूर्व पप्पू फैन क्लब की स्थापना की गई थी। इस क्लब का मुख्य उद्देश्य बेसहारा और कमजोर लोगों की सहायता और सेवा करना ही है। आज भी इसी क्लब के माध्यम से 200 कंबल बांटे गए हैं। कंबल बांटने का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारा मेन मकसद गरीब और कमजोर की सेवा करना ही है। देखिए रिपोर्ट। नहीं है, कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। राजनीति तो हमने बिल्कुल छोड़ दी है, पहले हम कभी राजनीति में हुआ करते थे। ये सिर्फ जो पप्पू फैन क्लब का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से क्लब बनाया गया था कि एक इज्तिमाही शक्ल में लोगों की सेवा की जाए। जो आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हम करते चले आ रहे हैं, शादी ब्याह में करते चले आ रहे हैं, और ये चूंकि जाड़ों का मौसम था और आप जब पिछली मीटिंग में आए थे तो हमने आपसे ही कहा था कि हम 1,000 कंबल लोगों को बांटेंगे, लेकिन 1,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। कंबल हमारे पास हैं
लेकिन इतने लोग, चूंकि इसमें पूरी जांच पड़ताल करने के बाद गरीब कमजोर को ही दिया जा रहा है, तो आज की इस मीटिंग में हमने 200 कंबल बांटे हैं, क्योंकि कुछ झूठ बोलने का लाभ नहीं है। बाकी कंबल हमारे रखे हैं, फिर जांच होगी, उसके बाद फिर बांटे जाएंगे। इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका केवल एक उद्देश्य यह है कि ऊपर वाला हमारे ऊपर भी रहम करे और इनके ऊपर भी रहम करे, और इनकी दुआओं से कुछ हमारी सेहत में सुधार हो जाए। राजनीति से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।